इस समय तो आमदनी चौनी खर्चा रुपया, इसमें आमदन का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा है। हमें हमारे जो है बस अड्डों से हमारे मॉल्स बना के हमारी जमीनें जो है वहां पे किस ढंग से हमें आगे बढ़ना है। सरकार की बैसाखियों के बगैर एचआरटीसी अभी तक आगे नहीं बढ़ सकती। सरकार से मदद तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने भी बहुत जिम्मेवारियां एचआरटीसी को दे रखी हैं। 50% महिलाएं जो है वो ट्रेवल करेंगी, उस पे 50% किराए पे पत्रकार मुफ्त ट्रेवल करेंगे, दूसरी काफी विकलांग लोगों के लिए रियायतें हैं, बहुत मतलब कि ऐसे इतनी रियायतें हैं, इतने बड़े वर्ग के लिए रियायतें हैं, स्टूडेंट्स हैं, एमएलएज को हैं, एमएलएज, एक्स एमएलएज, एमपीज। अब मैं अपने साथियों से बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, अगर एमएलएज को नहीं चाहिए तो हटा देंगे। कि आखिर एचआरटीसी को मुनाफे पे लाने की तो मैं अभी बात नहीं करता, एचआरटीसी को मुनाफे पे लाने की बात नहीं करता, एचआरटीसी ब्रेक इवन पे भी लाने की अभी बात नहीं है। एचआरटीसी में तो अभी तक उसको चलायमान रखने, और कम से कम मैं ये चाहता हूं कि किसी भी ढंग से वो कर्मचारी जो 24 घंटे काम कर रहा है, आप कहते हैं अस्पताल 24 घंटे खुला है, आप कहते हैं एम्बुलेंस 24 घंटे चल रही है, तो ये भी 24 घंटे टायरों पे चल रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए इनके बारे में सारा जो भी निकलेगा तो हम डिपार्टमेंटली जो कर पाएंगे आने वाले समय में कैबिनेट के सामने रखेंगे, मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, वित्त विभाग से भी मैं डिस्कशन कर रहा हूं। देखो एक बात मैं चाहता हूं कि किसी भी ढंग से एचआरटीसी के कर्मचारी को 7 तारीख से पहले तनख्वाह मिलनी चाहिए। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, एजुकेशन में चले जाओ, पहली को तनख्वाह बढ़ जाती है, दूसरे में चले जाओ हेल्थ में, पहली को तनख्वाह बढ़ जाती है। ये 10 तारीख, 15 तारीख, 12 तारीख, इस पिछले महीने भी 12 तारीख को 6 नतीजे से वोटों से 2 दिन पहले इसलिए तनख्वाह पड़ गई कि ये था कि बोर्ड में नुकसान न हो जाए, नहीं तो तनख्वाह ही नहीं पड़ रही है। तो इसलिए हमने सारी डिस्कशंस की है, मसले बहुत हैं यहाँ पे। हम राइड विद प्राइड चला रहे हैं शिमला में, अब बिल्कुल नया फ्लीट है इसमें यहाँ पे जो चल रहा है, फिर हमारे टेम्पो ट्रेवलर है, फिर हमारी 37 सीटर बस, जो 42 सीटर बस या 52 सीटर बस, देखना है कि कहाँ कितनी चलती है, कितनी हमने इलेक्ट्रिक बसेस खरीदनी है, कितनी हमने जो है बाहर से लेनी है, कितनी हमने जो है, क्योंकि ये तो 200-250 किलोमीटर चल के चार्जिंग स्टेशन बनने हैं, चार्ज भी होनी है। दूसरी बात डीजल की बसें, अगर हमने 500-700 किलोमीटर जाना है तो डीजल की बसें भी रिक्वायर्ड रहेंगी। लेकिन इस समय अध्ययन की प्रक्रिया जारी है, सारे डिपू में हमारे 31 डिपू हैं और दूसरे वर्कशॉप हैं, सारी जगह जाके अब एक एक चीज मैं आपको बताऊं कि अब जब डिपार्टमेंट मेरे पास आया है तो एक एक चीज मैं देख रहा हूं कि हाँ, अगर नंबर प्लेटें लोगों को लग रही हैं, कितने में लग रही हैं, एक एक दिन में कितने हजारों में लग रही है, कौन लगा रहा है, किस आदमी से कितने पैसे लिए जा रहे हैं, सारा हमें प्लेट्स भी देखनी पड़ेंगी। डीजल के हमारे सारे पंप जो है इसमें बंद है, हमारे 27 डीजल के पंप है, एक भी नहीं है कि हम बाहर से तेल ले रहे हैं, और 2 करोड़ का डीजल हम ले रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी लोगों के लाइसेंस की बात है, लाइसेंस लोगों का बढ़े, 1 लाख लड़कियों के पास लाइसेंस है और 22 लाख के आसपास हमारे पास गाड़ियां हैं, दूसरी भी गाड़ियां हैं जो आम आदमियों के पास गाड़ियां, हर चीज का जब तक हम मूल्यांकन नहीं कर सकते तब तक हम, अभी तक तो हमारे पास तथ्य रखे जा रहे हैं कि ये है, नीति क्या बनानी है वो हम बैठ के बनाएंगे कि हमने आगे कैसे बढ़ना। सर, रजिस्ट्रेशन का भी एक जो मसला पूर्व में भी उठा था जब विपक्ष में आपने उठाया था कि बाहर की महंगी गाड़ियां यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गई थी, क्या उसमें आपने इंक्वायरी के भी ऑर्डर्स किए हैं, कहाँ तक? नहीं, 2 चीजों में मैंने इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए हैं। एक इंक्वायरी ये है कि जो
बाहर की बॉलबोज आती है पूरे प्रदेश में, उसमें हमारे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, मैंने आज आदेश दे दिए थे, शायद आज गठित होगी होगी, वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि कितना टैक्स प्रदेश को मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, कैसे चल रही है, कैसे नहीं चल रही है, और HRTC को या दूसरे परिवहन को कैसे नुकसान हो रहा है वो हम देख रहे हैं। और दूसरा, सारी देश की जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो कागज बदल के फ्रेब करके हिमाचल प्रदेश में रजिस्टर हो गई। और आपने देखा, दिल्ली में जाओ, किसी भी शहर में जाओ, बड़े बड़े शहर में, आपको हर तीसरी गाड़ी पे, जो लंबी गाड़ी आएगी उस पर हिमाचल का नंबर मिलेगा आपको। तो मैंने उनको कहा कि ये गाड़ियां कैसे रजिस्टर हुई और कितनी रजिस्टर हुई, सिर्फ उसकी रजिस्ट्रेशन रद्द करना ही सवाल नहीं है, उसमें हमें क्या एक्शन करना है उसमें भी हमने इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए। सर, डिनोटिफिकेशन पर जो पॉलिटिक्स हो रही है, पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बदला बदली की भावना से है, हमने सारा प्रावधान किया था, कैबिनेट में अप्रूवल दिलाई है, उसके बाद कार्यालय नोटिफाई किए हैं, आपने भी जल शक्ति विभाग में कुछ डिनोटिफिकेशन की है, पूरे ओवरऑल इस जो सिनेरियो बना है क्या वास्तविकता है जो बदला बदली की भावना की बात हो रही है? नहीं, बदला बदली कुछ नहीं है, सल्तनत बदली है, निजाम बदला है, हुकूमत बदली है, तो ये बदलाव तो नजर आएगा। आप कोई भी जो हम कार्यालय डीनोटिफाई कर रहे हैं उसकी कैबिनेट के फाइल निकाल लो, उसमें सामने लिखा हुआ है फाइनेंस ने ये संभव नहीं है, और इन्होंने उन फाइनेंस को ओवर रूल करके ये कार्यालय खोले हैं, बजट प्रोविजन किया नहीं है। और जयराम जी ने जो है रेवड़ियों की तरह संस्थान खोल दिए लगातार, ये एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया कि एक व्यक्ति जो है उसने 900 या 1000 संस्थान बिना वित्तीय प्रावधानों के खोल दिए, ये इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि आपने बजट में प्रावधान किया होता, मार्च में बजट आता उसमें आप प्रावधान करते फिर संस्थान खोलते, छोटे से पटवार सर्कल से लेके डिवीजने खोल दी, सर्कल खोल दिए, कोई प्रावधान नहीं किया गया। ये तो सरकारें निरंतरता में चलती हैं, ये हम समझते हैं, लेकिन सरकारें इस तरह से चलाई जाए, ये कहते थे हम जाते जाते कुछ नहीं करते, आप देखिए जाते जाते किस ढंग से प्रदेश के अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया, सत्ता हथियाने के लिए किस ढंग से इन्होंने ये सारे संस्थान खोले। हमने कहा है कि जहां पे ये कोड होगा, ट्रेजरी का कोड होगा, यहाँ पे बजट सैंक्शन होगा, जो संस्थान चल रहा होगा, जिसने ऑपरेशनल तो रहे होंगे, उनके बारे में कैबिनेट के पास केस बाई केस स्टडी होगा, फैसला हो जाएगा।